संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहे, किस तरीके का इंसान था वो? पर लेडी लोगों को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था, रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे ना। वो वाइफ को सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था, मतलब बियर की बॉटल प्राइवेट पार्ट में, फिर सिगरेट से था। वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप कांड के मुख्य आरोपी संजय राय का 25 अगस्त को प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट दोपहर 12:30 से 3 बजे तक हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों और विभिन्न उपकरणों के साथ लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारी प्रेसिडेंसी जेल से बाहर निकले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी विभिन्न परीक्षण सामग्रियों से लैस और सवालों की लंबी फेहरिस्त लेकर संजय राय से पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के बाद क्या जानकारी मिली है इसका विस्तृत खुलासा तो होना बाकी है, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक संजय राय ने यह दावा किया है कि जब उसकी नज़र पहली बार पीड़िता पर पड़ी तो वो पहले ही मर चुकी थी और यह देखकर वो डर के मारे भाग गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने कोलकाता केस में 8 और 9 अगस्त की रात का पूरा सच संजय राय से जानना चाहा। उससे पूछा गया कि क्या महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में आरोपी संजय राय के साथ कोई और भी शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय राय ने कई बातों की बिल्कुल गलत जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि जब वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी और वो डर के मारे हॉस्पिटल परिसर से भाग निकला। वहीं संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान दावा किया कि उसने बियर पी हुई थी और उसने गलती से पीड़िता को अस्पताल के सेमिनार रूम में देखा था। हालांकि पूरे पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय राय काफी परेशान नजर आ रहा था। जब सीबीआई ने उससे कई सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई बहाने बनाए, यहां तक कि उसने यह भी नहीं बताया कि उसके चेहरे पर चोट क्यों लगी थी और न ही वह अपराध के समय हॉस्पिटल परिसर में अपनी मौजूदगी को लेकर कोई खास स्पष्टीकरण दे पाया। ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या के मामले के वारदात के दूसरे दिन कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद संजय राय ने खुद ही अपराध कबूल किया था, लेकिन जब से सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली वो लगातार अपना बयान बदल रहा है। सियालदह कोर्ट में भी उसने खुद को निर्दोष बताया था। सीबीआई पूछताछ में भी वह साफ जवाब नहीं दे रहा और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संजय राय ने हिरासत में रहते हुए एक एक करके अलग अलग जानकारी देकर सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की है। अस्पताल में प्रवेश करने का कारण, अस्पताल में प्रवेश करने का समय, अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाने का कारण, यहां तक कि सेमिनार हॉल से लेकर हत्या, सभी मामले में वह लगातार अपना बयान बदल रहा है। इसके बाद ही उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करना जरूरी हो गया था। सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। संजय राय के अंदर कितना सच छुपा है और कितना झूठ, यह जानने के लिए अब हम आपको संजय राय का वो असल रूप दिखाते हैं जिसका राज उनके वे दोस्त जानते हैं जिन्होंने उसके साथ बचपन बिताया था। हमारे संवाददाता कोलकाता के भवानीपुर के उस इलाके में पहुंचे जहां आरोपी संजय राय का बचपन बीता और जवानी गुजरी है। दोस्तों ने उस दरिंदे के बारे में क्या क्या खुलासा किया है, आइए आपको सुनाते हैं। संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहे, किस तरीके का इंसान था वो, क्योंकि बताते हैं कि वो अक्सर शराब पिया करता था। सर मेरा नाम पहले स्पोर्ट्स में था, संजय राय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे, खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोगों को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था, ठीक है सर। फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था। हाँ, वो चितला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो, मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, 4-5 शादी हुआ, अगर उसका अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है, ठीक है सर। तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी, मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम, मेन सर है उसको, वो उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोगों को देख के
कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है, नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने या कोशिश किया था। मैं दीदी बोली थी कि भाई लोगों को बोलूंगा मार खिला दूंगा। संजय रॉय शराब पीने के बाद कैसा जानवर बन जाता था, लड़कियों को छेड़ना उसके लिए कितनी आम बात थी, ये उनके दोस्तों से जानिए। रिलेशन के बारे में बता रहे कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था। हाँ वो तो सुने सर कि अपने वाइफ को वो हाथ मार धार करता था। फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई। क्या वो छेड़छाड़ करता था? शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से, ठीक है ना, तो वो उसको भी वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था, उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा, राह चलते लड़कियों को छेड़ देता था? हाँ, उसके लिए वही सब आम बात था सर। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी संजय रॉय का व्यवहार कितना अमानवीय था ये भी उसके दोस्तों ने बताया है। कैसे संबंध थे जो पहली पत्नी थी बता रहे थे, उसके साथ भी मारपीट करता था? हाँ ये सर, ये तो मतलब आसपास के भी इंसान नहीं जानता था वो कैसे मारता था, मतलब वॉइस बाहर नहीं आता था, घर के अंदर मारता था आवाज नहीं आता था, आवाज आने तो आसपास के आदमी फिर जाएगा ही ना, जो अपना नेबर पड़ोसी जो है कोई भी है वो जाके छुड़ाएगा, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था सर कि वो मार खा रही है लड़की, किसी को पता ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि वो अपना वो वाइफ को मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था, मतलब बियर की बॉटल प्राइवेट पार्ट में, फिर सिगरेट से, वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था। संजय रॉय के बारे में उसके एक पड़ोसी ने तो उसे बेहद गंदा आदमी बताया है। संजय रॉय को कब से जानते? हम तो छोटा से जानते उनको, बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में रहते। हाँ। किस तरीके का व्यवहार था संजय रॉय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है। अच्छा। इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता, किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? अरे माँ सियाना सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था। हिंसक मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा करता था वो। पुलिस का भी रोब? हम पुलिस है, हम ये है वो है, हम बोलाते पुलिस है अपना जगह में, ते अपने जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस से महीना लेगा का लेगा, ते अपना समझ, हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा, और वो उसकी पत्नी से भी, उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं? नहीं नहीं नहीं, पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था बैठ के, उल्टा पुल्टा चिल्ला चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के बारन किया, चिल्ला चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत? हाँ छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है, उसका नियत एकदम खराब है। संजय रॉय के इन दोस्तों और पड़ोसियों के बयान भी इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम अब पॉलीग्राफ टेस्ट से निकले जवाबों का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने वाली है। इसमें आरोपी से पूछे गए सभी सवालों और उसके जवाबों को कंपाइल किया जाएगा। वह किन सवालों के जवाब देते वक्त घबराया था, किन सवालों के जवाब नहीं दे पाया और किन सवालों के गलत उत्तर दिए, इन सभी को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही अब पॉलीग्राफ टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी मिलान होगा, ताकि कोलकाता केस के आरोपी के रोल की सच्चाई सबके सामने आ सके।